मेरा नाम माहम नदीम है और मैं जो मैं बचपन से बेसिकली आर्ट के बारे में बहुत पैशनेट हूँ, ठीक है। एक पॉइंट तक आई थिंक मेरी अम्मी जो थी उनका बहुत ज़्यादा इसमें रोल है, बिकॉज़ वो उनका खुद ड्रीम जाना था, लाइक एनसीए जाने का उनका खुद का ड्रीम था। मैंने स्टार्ट किया था पोर्ट्रेचर से, लाइक सेल्फ पोर्ट्रेट से, तो काफ़ी अर्ली एज से, लाइक मैं 15-14 साल की थी तो मैंने सेल्फ पोर्ट्रेट्स अपने बनाने शुरू किए और स्टोरी स्टोरी अपना मैंने स्किल डेवलप की पोर्ट्रेचर के थ्रू। डायरेक्टली मैंने वही किया, मतलब स्टिल लाइफ और इस तरह की चीज़ों पे इतना ज़्यादा मेरा नहीं था। अभी मैंने जो है फेस पेंटिंग की तरफ एक अपना डायरेक्शन थोड़ा टर्न किया है। मेरा ये स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले मैंने एक अपनी दोस्त के साथ शूट किया था, जो हम लोगों ने ऐसे ही ऐसे ही क्या कहते हैं शुरू में नहीं करते, उस तरह हम लोगों ने एक स्टार्ट किया था और हम लोगों ने एक स्कल फेस पेंट किया था, ठीक है। तो उसके बाद से ही लाइक जब मैंने वो पिक्चर्स ली, उनको एड किया खुद, और मैंने उसका कुछ सीखा नहीं हुआ था, मैंने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं था कि किस तरह होगा क्या होगा, हमने बस किया और उसके बाद लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया एंड आई ऑल्सो माई सेल्फ एन्जॉयड इट वेरी मच। अभी इसके अलावा मैं एक और चीज़ में इंक्लूडेड हूँ, आर्ट एंड ट्रैवल है, जो मैं अपने एक फ्रेंड नदीम के साथ करती हूँ। उसमें बेसिकली ये होता है कि हम लोग जो हैं पाकिस्तान के रिमोट एरियाज़ में ट्रैवल करके जो बच्चे हैं उन लोग को आर्ट में एजुकेशन देते हैं, लाइक उसकी इम्पोर्टेंस में। मेहम आर्ट पे मैंने स्केचबुक्स भी स्टार्ट करने का सोचा है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ऑब्वियसली आर्टिस्ट के लिए एक क्या कहते हैं कॉर्पोरेट सोसाइटी में भी स्लाइटली आना इम्पॉर्टेंट होता है, इवन दो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है बिकॉज उनका वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट होता है एंड इट्स हार्डर टू गेट अलॉन्ग विद पीपल। मेरे लिए सबसे ऐसी जो चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा सीखी है, जो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आर्ट में लोग जो है ना अपने आप को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देना उन लोगों ने छोड़ दिया है, और वो देखते हैं ज़्यादा कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, दूसरे लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, या आप दूसरे लोग काम किस तरह कर रहे हैं। तो एक कम्पेटिटिव जोन आ गया हुआ इस दफ़ा आर्ट में, तो स्पेशली स्कूल के बच्चे, तो ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है। तो आई जस्ट वॉन्ट कि लोग जो हैं वो ऑनेस्टली जो है ना अपने काम को और अपने आप को ज़्यादा अपने काम के थ्रू रिप्रेजेंट करें, इंस्टेड कि वो करें कि वो किसी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए कि दूसरा बंदा कहे कि वाह बहुत अमेजिंग है, या दूसरों के अप्रूवल के लिए काम करें। पीपल शुड जस्ट बी ऑनेस्ट विद व्हाट दे आर डूइंग, तो एज लॉन्ग एज दे आर ऑनेस्ट वो उनके काम में नज़र आता है, तो स्किल इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता।